अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। आज मैं लेके आई हूँ जी मटन सूप, यानी कि मटन यहनी भी कह सकते हैं। ये एक हेल्दी और टेस्टी सूप होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाफ के जी मेरे पास मटन है और ये फ्रीज था, इसे मैंने धो के फ्रीज कर दिया हुआ था। तो इसे मैं इसमें मैंने दो दरमियाने साइज के प्याज और 16 से 15 अदद जवे होंगे लहसुन के, और मोटी इलायची, दालचीनी और 3 अदद लौंग थे, और साथ में मैंने नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून है, और ब्लैक पेपर है जो वो भी 1 टेबल स्पून का ऐड किया है, और 1 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल किया है। और इसे ढक के मैं हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि गोश्त जो है हमारा वो खुल जाए, क्योंकि ये फ्रीज हुआ हुआ था। अगर तो आपके पास फ्रेश है तो फिर तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, मैंने हल्की फ्लेम पे रख दिया इसे। तो ये यहाँ पे देखें, ये खुल चुका है, तो पानी इसमें है अभी। तो इसी पानी में मैं इसको वेट लगवा लूँगी 5 मिनट के लिए ना, ताकि ये जो लहसुन और प्याज है वो हमारा गल जाए। तो 5 मिनट का मैं इसे वेट लगा लूँगी। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लहसुन और प्याज जो हैं वो गल चुके हैं। तो गोश्त भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा साफ था। तो यहाँ पे मैं अभी इसे भून लूँगी और इसमें मैं देसी घी का ऐड करूँगी। तो आजकल वैसे भी बारिश नहीं हो पा रही है, सभी को खांसी और नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, बच्चे बड़े सभी बीमार हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा सूप। अगर मटन का सूप आप नहीं बना सकते, आप चिकन का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो ये गोश्त हमारा जो है वो अच्छे से भून चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, उतना पानी ऐड करूँगी जिसमें ये जो है, ये गोश्त वैसे गर्दन का है तो ये ज़रा टाइम लेता है पकते हुए। तो इसमें इतना पानी शामिल करूँगी कि ये गोश्त हमारा जो है वो गल जाए। तो इसे स्लो फ्लेम पे ढक के रख दूँगी, तो ये तकरीबन 45 मिनट में डन हो जाएगा। तो जब ये तैयार होता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है तो ये हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो सूप है इसका ये इतना ही, अगर आप ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे इतना ही ठीक है। ये मैंने डिश आउट कर दी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।